नमस्ते देवी और सज्जनों, आशा ताईस किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं राजस्थानी रबड़ी घेवर। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले घेवर के लिए चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी चीनी ली है। चीनी में आधा कटोरी पानी डाल देते हैं। इसी में इलायची डाल देते हैं। इलायची को मैंने तोड़ लिया है। घेवर के लिए चाशनी गाढ़ी सी एक तार की होनी चाहिए। चाशनी तैयार है। चाशनी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं ताकि चाशनी क्रिस्टलाइज फिर से ना बने। घेवर के लिए रबड़ी बना लेते हैं। गैस में एक पैन रखिए, उसमें एक चम्मच घी डाल देते हैं। घी मेल्ट होने के बाद डालेंगे दूध। अब इसी में चीनी डाल देते हैं। दूध के साथ चीनी भी अच्छे से पिघल जाएगी। दूध को अच्छे से उबाल आ गया है, इसमें डाल देते हैं मिल्क पाउडर। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो सिर्फ दूध की भी रबड़ी बना सकते हैं। रबड़ियाँ भी तैयार है, ठंडी हो जाएगी तो और भी ठीक होती जाएगी। रबड़ी को साइड में रख देते हैं। घेवर के लिए बैटर बना लेते हैं। घंटों का काम मिनटों में बना लेंगे। ये मिक्सर जार में बैटर बना लेते हैं। अब ये मिक्सर में ये 2 चम्मच घी डाल देते हैं। अभी घी को फ्लफी और क्रीमी बनाना है तो इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। अभी ये घी को और बर्फ को पीस लेते हैं। देखिए अभी घी को पीसने के बाद और क्रीमी सा हुआ है। इसी घी में डाल देते हैं 1 कटोरी मैदा डाल देते हैं और 1 टेबलस्पून डालेंगे बेसन। अभी इसमें पानी डाल देते हैं। ये मैंने फ्रिज का ही पानी लिया है ठंडा। इसको और पीस लेते हैं। अभी बैटर को एक बार पीस लिया है, गाढ़ा है इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल के और मिक्सर चला लेते हैं। बैटर को अभी एक बाउल में निकाल लेते हैं। आपको ज़्यादा गाढ़ा दिखे तो और इसमें पानी मिला सकते हैं, वो भी फ्रिज का ठंडा पानी ही मिलाना है। देखिए यही कंसिस्टेंसी चाहिए खाने के लिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा पतला ही नहीं होना चाहिए। मैंने ये साइज का भगोना लिया है और तेल को बहुत भर के नहीं रखना है, आधा ही रखना है। तो तेल को एकदम गर्म होने देना है। घेवर के बैटर को आप सॉस बॉटल में भर के भी डाल सकते हैं या चम्मच से डाल सकते हैं। मैं आज चम्मच से बना रही हूँ। तेल अभी बहुत गर्म हो चुका है और बहुत थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही। और ऐसे बीच में ही डालना है, ऐसे लकड़ी के सहायता से या चाकू की सहायता से इसको ऐसे देखना है। तो देखिए कैसा क्रिस्पी करारा घेवर तैयार है। अब इसको एक जाली वाली प्लेट पे रख देते हैं ताकि उसका सारा तेल निकल जाए। अब इसके ऊपर ये चाशनी डाल देते हैं। चाहे तो इसको चाशनी में भी डुबो सकते हैं। अब डालेंगे ये रबड़ी। ऊपर से थोड़ा पिस्ता डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए। तो चलिए तैयार है राजस्थानी रबड़ी घेवर। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना।